गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज शाम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोड़ी एक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। आप इस रीडिंग को अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देखी जा सकती है ये रीडिंग, और आप चाहें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उस इंसान की करंट फीलिंग्स अपने लिए जानना चाहते हैं और वो इंसान आपके बारे में किससे और क्या बातें करते हैं ये जानना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। आप उस इंसान को ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपको करना यही है कि जिस इंसान के लिए भी आप इस रीडिंग को देखें, उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो हैं सेवन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द मजिशियन, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। और यहाँ पर सारे ही जोड़िएक साइंस और एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ये रीडिंग भी सभी जोड़िएक साइंस के लिए है। ओके, तो करते हैं रीडिंग के स्टार्ट सेवन ऑफ वांड्स के कार्ड से। तो यहाँ पर एक पर्सन है जिसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इन प्रॉब्लम्स को आप सेवन ऑफ वांड्स के कार्ड में देख भी सकते हैं, यानी कि इस पर्सन ने अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इस पर्सन ने फेस किया है। पर इस बार जो इस पर्सन के सामने प्रॉब्लम है, इस पर्सन को उस प्रॉब्लम को लेकर थोड़ा सा भ्रम बना हुआ है कि ये क्या इस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे अपने जीवन से या नहीं। अगर आप इस पर्सन से दूर हैं, अगर ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, तो क्या ये पर्सन आपसे मिल पाएगा? ऐसा लग रहा है अगर आपके और आपके पर्सन के बीच नो कॉन्टैक्ट है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो ये पर्सन आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो ताकि ये पर्सन आपसे मिल सकें, बात कर सकें। तो ये पर्सन सामने से आकर के बात नहीं करना चाहते, पर सोच भी रहे हैं कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। तो ये जो भ्रम इस पर्सन को इस बात को लेकर है कि क्या आपसे कांटेक्ट करें या फिर नहीं करें, तो ये चीज़ है। इसीलिए ये पर्सन अपने फ्रेंड से बातें करते हैं आपके बारे में, और ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर इस बात को इस पर्सन ने कई बार शेयर किया है कि पहले वक्त और हालात अलग था, पर अब जो सिचुएशन इस वक्त है, ये पर्सन आपके लिए जो फील करते हैं, अब ये पर्सन और इंतज़ार नहीं कर सकते। अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से मैच्योर हैं और किसी को भी कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और ये बात इस कार्ड से भी जाहिर होती है कि आपके पर्सन के जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब ये पर्सन खुद को एक ऐसी पोजीशन पर देख रहा है जहाँ पर ये पर्सन अब इंतज़ार नहीं करना चाह रहा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो अब इंतज़ार किस बात का, तो ये इंतज़ार करना नहीं चाहते। और यहाँ पर थ्री ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब ये पर्सन अपने जीवन में जो कुछ हासिल कर चुके हैं, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ये एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिश्ते की। अब तक जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है, इस पर्सन को पता है, इस पर्सन ने जो भी मैनिफेस्ट किया है, इस पर्सन ने हासिल किया है। अब ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना आपको, ये पर्सन आप देख सकते हैं हमारे पास द मजिशियन का कार्ड भी है, और ये कार्ड इस बात की तरफ ही इशारा कर रहा है कि अब ये पर्सन एक ऐसे मजिशियन का रूप लेने वाला है जहाँ ये पर्सन अगर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है तो ये चाहता है कि आपको पा ही ले, या फिर ये पर्सन जो कुछ अब तक पाते रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी कमी है। जो कुछ भी इस पर्सन ने अब तक पाया है, अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप होते हैं तो बहुत कुछ ये पर्सन और भी अपने जीवन में कर पाता, आपका साथ इस पर्सन को चाहिए ऐसा लग रहा है। इसीलिए ये पर्सन इस रिश्ते पर वर्क करता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि द मजिशियन के कार्ड के साथ साथ हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड भी इस बात की तरफ इशारा है कि बहुत कुछ इस पर्सन ने अपने मेहनत के बल पर हासिल किया है और अब इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने के लिए ये पर्सन पूरी तरह से रेडी है। ये पर्सन चाहता है इस रिश्ते में कुछ एफर्ट्स डालना। अगर इस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो ये इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत कुछ ऐसा है इस पर्सन के मन में जो ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं। अपने फ्रेंड से तो ये अक्सर बात करते ही हैं आपके बारे में, और जो बातों का सिलसिला निकलता है तो ये पर्सन बताते हैं उनको कि ये और आप एक होंगे और जो फ्यूचर है ना आप दोनों का ब्राइट होगा। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि भले ही आप दोनों किसी भी सिचुएशन में स्टक हों, चाहे आपने इस पर्सन से दूरियां बढ़ाई हों या इस पर्सन ने ही बढ़ाई हों, पर अब जब ये पर्सन अपने जीवन में बहुत कुछ पा चुके हैं तो ये पर्सन चाहते हैं आपका साथ, और ये साथ ये पर्सन पाकर रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन के मन में जो फीलिंग्स, जो इमोशंस हैं, वो यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स के कार्ड में नज़र भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो अपने जीवन में सब कुछ पा चुका है। इस पर्सन को अगर कमी महसूस हो रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ की, क्योंकि यहाँ पर नाइन कप्स हैं, एक कप्स की कमी है, और जो आपका दिल है ना,
इस पर्सन को अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसा लगता है इस पर्सन को कि इस पर्सन का जो मन है वो आप में ही लगता है, आप में ही बसता है और आप इस पर्सन के अपने हैं। तो ये पर्सन आपके बारे में ये बात करते हैं कि आप इस पर्सन के अपने हैं। आप इस बात को भी समझेंगे कि ये पर्सन अगर आपसे दूर थे तो क्यों दूर थे, क्या सिचुएशन थी, क्या पास में क्या कुछ हो चुका था आप दोनों के बीच, जो कुछ भी सिचुएशन थी वो शायद ये मिलकर डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको। ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपना पहले भी मानते थे, अभी भी मानते हैं, पर इस पर्सन ने अगर आपसे कॉन्टैक्ट बंद किया था तो हो सकता है अपने जीवन को संवारने में लगा था ये पर्सन, या फिर कन्फ्यूज्ड था, या फिर अभी जो कन्फ्यूज़न इस पर्सन को है कि आपको कॉन्टैक्ट करे कि नहीं करे, ये इस बात को लेकर भी हो सकता है कि क्या आप इस पर्सन की बात को समझेंगे, क्या इस पर्सन की सिचुएशन को समझेंगे, जो कुछ पास में हो चुका है आप दोनों के दरमियान, क्या आप इस बात को समझेंगे। अगर कांटेक्ट बंद है ना पूरी तरह से, तो ये जो भ्रम इस पर्सन को है, थोड़ा सा जो ये विचलित हो रहे हैं आपके लिए एक्शन लेने से पहले, ये जो सोच रहे हैं ना, जो सोच विचार लगा हुआ है इस पर्सन के मन में, वो इसी बात को लेकर है कि ये कुछ चीज़ों को लेकर श्योर नहीं है अभी भी। इस पर्सन का दिल कर रहा है आपसे मिलकर बात करने का, और फिलहाल ये पर्सन इसी के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो है ना प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करने से पहले ना ये पर्सन कुछ प्लान करता हुआ नज़र आ रहा है, इसी के बारे में फ्रेंड से बातें करता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सारे कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये पर्सन जहाँ पर भी जाते हैं, जिसके साथ भी होते हैं, वहाँ इस पर्सन को आपकी कमी महसूस होती है। जब कभी भी ये पर्सन आपको याद करते हैं, मिस करते हैं ना, तो ये पर्सन आपकी पिक्चर्स देखते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, तो इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में अगर कुछ है इम्पॉर्टेंट तो वो आप हैं। आपके बारे में सोचकर इस पर्सन को सुकून मिलता है। तो दूरियां बढ़ाने के बाद ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाए हैं कि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं जो कभी नहीं मर सकती, जो इमोशंस हैं वो कभी नहीं मर सकते, यानी कि आपका साथ इस पर्सन को ज़रूरी लगने लगा है। और आज शाम भी ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के बारे में बातें कर रहे थे कि एक चांस और लेना चाहते हैं, लें कि नहीं लें ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं। अब तक जो कुछ भी इस पर्सन अचीव किया है वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं, अब और इंतज़ार नहीं करना चाहते, एक नई शुरुआत चाहता है और चाहता है कि कोई मैजिक हो, कि ये जो भी आप दोनों के बीच की दूरी है वो मिट जाए, जो मैनिफेस्टेशन है इस पर्सन का वो वर्क करे। तो ये पर्सन चाहता है, और काफ़ी टाइम से बहुत चीज़ों को ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, तो अब इस रिश्ते में कुछ एफर्ट डालने का सोच रहा है और पूरी तरह से मुतमईन हो जाना चाहता है कि अब आप इस पर्सन के साथ हैं, आप इस पर्सन के पास हैं, आप इस पर्सन के दिल में हमेशा से हैं, और अब अपनी ज़िंदगी में भी ये पर्सन आपको लाना चाहता है। तो इसके बारे में ये पर्सन प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज शाम ये पर्सन मेरे फ्रेंड से यही सब बातें कर रहे थे। ओके बस, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।